आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन किया जाता है, जिसमें से आपको डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग आपको हैंड टू हैंड प्रोवाइड कर दिया जाता है। सो गाइज, मैं हूं मनोज और आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं कि कैसे आप एक्सिस बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। चलिए जानते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल के ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च लिखना है, आपको axisbank.com जैसे सर्च करेंगे आपके पास कुछ इस तरीके से यूजर इंटरफेस खुल के आएगा। दोस्तों आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, अगर आप इसे मोबाइल में ओपन करें तो इससे पहले आप यहाँ से इसको डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट कर लेना। डेस्कटॉप में मोड कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर दोस्तों आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आपके पास यहाँ बीच में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो कि है अप्लाई नाउ का। आपको इस अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप इस अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास कुछ इस तरीके से यूजर इंटरफेस खुल के आया, तो आप यहाँ से सेविंग अकाउंट को सेलेक्ट कर लें। जैसे आप सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे आपके पास एक नया यूजर इंटरफेस खुल के आएगा जो कुछ इस तरीके से रहेगा। आपको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आप यहाँ से पूरी डिटेल मांगी जाएगी, फिर डिटेल यहाँ से भर देना है। आपको अपना यहाँ नेम दे देना है, ईमेल आईडी देना है, मोबाइल नंबर पुट करना है, आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से कैप्चर को फिल करना है। दोस्तों यहाँ से अपना नेम डाल दीजिएगा। चलो अपना यहाँ से नेम डाल देते हैं। नेम डालने के बाद दोस्तों यहाँ से अपना नेम डाल दिया, आप यहाँ से अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी ईमेल आईडी हो आप उस ईमेल आईडी को यहाँ चूज कर लेंगे। फिर इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट चूज कर लेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर रहेगा आप यहाँ से अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको अपने यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेना, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपके यहाँ से अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी सिटी हो आप अपनी सिटी यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपको कैप्चर यहाँ से फिल कर देना है। चलिए मैं पहले कैप्चर फिल करते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों आपके पास यहाँ देख सकते हैं इसकी कुछ रिक्वायरमेंट टर्म एंड कंडीशन दी गई है। पहले हम इस टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पास दोस्तों दिया गया है कि एथोराइज यानी एक्सिस बैंक एथोराइज के द्वारा आपको मैरेज करने, यानी आपके पास एक कॉल आएगा जो कि 8 PM से लेकर 9 PM के बीच में रहेगा। एक्सिस बैंक सब्सक्राइबर के एफिलेटिव से आप बहुत सा एजेंट कंटेंट फॉर द वेरियस अदर प्रोडक्ट अपडेट, यानी उस बैंक की तरफ से एजेंट के द्वारा पास फोन आएगा यहाँ से। इस तरीके से पूरा टाइम टू टाइम मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन देने की बात की गई, तो हम ये इस कर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों आपको सबमिट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप इस सबमिट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास कुछ इस तरीके से यूजर इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ से लिखा है थैंक यू फॉर द योर इंटरेस्ट, यू विल द रिसीव्ड ए कॉल स्टार्टिंग नंबर 040। यानी दोस्तों जो आपके पास एक्सिस बैंक के एजेंट की तरफ से जो भी कॉल आएगा उसका स्टार्टिंग का नंबर रहेगा 040, क्योंकि दोस्तों इसलिए बताया गया है कि बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, इस तरीके से बहुत सारे फोन आते हैं जो भी आपको फ्रॉडगिरी करके आपके अकाउंट से पैसे काट सकते हैं। तो ये बता रहा है अगर आप कोई भी एक्सिस तरफ बैंक तरफ से नंबर आएगा, एजेंट का नंबर आएगा, तो उसमें से उसका स्टार्टिंग नंबर रहेगा 040। फिर दोस्तों आपके पास कॉल आएगी और एजेंट के द्वारा आपको उसमें से एक इसके फीचर के बारे में बताया जाएगा, जो भी सेविंग अकाउंट के फीचर्स होंगे। वीडियो बनाने से पहले मैंने बैंक वालों से बात की थी, जिसमें से मुझे दो अकाउंट के बारे में बताया गया था, जो कि पहला सेविंग अकाउंट था प्रेस्टेड सेविंग अकाउंट बैंक, दूसरा सेविंग अकाउंट था दोस्तों प्राइमिंग सेविंग अकाउंट बैंक। दोनों सेविंग अकाउंट बहुत ही अच्छे हैं, जिसमें से इसको आपको लिमिट 80,000 तक तथा डेबिट कार्ड से मिल जाएगी। आप 80,000 पर मंथ उस डेबिट कार्ड उसमें से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और लगभग ये आपको 5 लाख का इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों चलिए हम दिखाते हैं इसमें से आपको कौन कौन से सेविंग अकाउंट दिए जा रहे हैं। जानने के लिए दोस्तों आपको बैक होके आपको मैं axisbank.com की होम फीचर पे आ जाना है। जो होम फीचर में आएंगे थोड़ा आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे आपके पास यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन दिखाई देगा सेविंग अकाउंट का, आपको इस सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, फिर दोस्तों आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना है। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपके पास यहाँ से देख सकते हैं सेविंग अकाउंट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। यहाँ देख सकते दोस्तों पहला सेविंग अकाउंट है ASAP सेविंग इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट, जिसमें से आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है और फ्यूचर के बारे में इसके जो भी फीचर है इसके बारे में बताया गया है।
जिसमें से दोस्तों आपको एक सेविंग अकाउंट है जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, इसमें से प्रोटेक्शन के बारे में आता है, नो मिनिमम बैलेंस, इसमें मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, या हाई इंटरेस्ट रेट ऑन बैलेंस अबाउट। दोस्तों जब आप अपने बैलेंस अकाउंट में 20,000 से ज़्यादा रखें तो आपके ऑटोमेटिकली आपको अकाउंट में इंटरेस्ट मिलने लगेगा। फिर दोस्तों यहाँ देख सकते लिखा है कि ₹150 बुक माई शो के बारे में दिया गया है, ₹150 बुक माई शो करेंगे तो मिलेगा दिया जाएगा। फिर रिवार्ड पॉइंट के बारे में इसमें बारे में बताया गया है, एक्सप्लोर मोड करके दोस्तों और देख सकते हैं। फिर ये वाला सेविंग अकाउंट है जो इजी एक्रॉस एक्सेस सेविंग अकाउंट है, इसके बारे में यहाँ देख सकते दिया गया है। यहाँ से डेबिट कार्ड के बारे में, डेली लिमिट इसमें विड्रॉ ₹50,000 तक कर सकते हैं आप, रिवॉर्ड प्लस डेबिट कार्ड दिया जाएगा, और भी प्रोडक्ट फीचर के बारे में दिया गया है। यहाँ दोस्तों एक मल्टीप्लेक्स चेक बुक फ्री दिया जाएगा आपको, इसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन पर ₹3,00,000 वेबर के बारे में दिया गया है। दोस्तों इसमें आपको मिनिमम 15% ऑल ऑफ द पार्टनर रिक्वायरमेंट चाहिए, इसको रिटर्नर चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं, फिर यहां आके देख सकते हो दोस्तों इनकी सेविंग अकाउंट के बारे में। फिर जिस सेविंग अकाउंट की मैंने बात की दोस्तों, ये है प्रेडिकेट सेविंग अकाउंट, इसमें से आपको डेबिट कार्ड दिया जाता है और इसके फीचर्स के बारे में यहाँ दिखाया गया, आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों इसमें से 1% फ्यूल, 2% सोफे, यहाँ से चीज़ें बहुत पूरी चीज़ें यहाँ से दी गई हैं जिन्हें आप आके देख सकते हैं। इसमें दोस्तों अनलिमिटेड चेक बुक DD के बारे में भी दिखाया गया है, पोस्ट फ्री अनलिमिटेड और ट्रांजेक्शन, आपको इसमें अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस तरीके दोस्तों देख सकते हैं। फिर यहाँ दोस्तों एक सेविंग अकाउंट जो बताया था मैंने, प्राइम सेविंग अकाउंट के बारे में, इसमें सोर्स प्लस डेबिट कार्ड दिया जाएगा जिसमें ₹80,000 तक आपको ट्रांजेक्शन लिमिट दी जाएगी, ₹5,00,000 तक का ट्रांजेक्शन पर ईयर वो पर मंथ दिया जाएगा। यहाँ दोस्तों आपको अनलिमिटेड ATM ट्रांजेक्शन भी दिया जाएगा। इस तरीके से और वुमेंस के लिए यहाँ से वुमेन सेविंग अकाउंट के बारे में दिया गया है, जिसमें आपको वीजा क्लासिक डेबिट कार्ड आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा जिसकी डेली लिमिट ₹40,000 तक रहेगी। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल सकते हैं, फर्स्ट ट्रांजेक्शन ₹3,00,000 विचाइवन इन ईजिली रहेगा। यहाँ दोस्तों और बहुत सारे फीचर देख सकते हैं, यहाँ से और नीचे आएंगे देख सकते हैं, यहाँ से और सेविंग अकाउंट के बारे में दिया गया है, सीनियर प्रोवाइजिंग सेविंग अकाउंट के है प्रिविलेंस सेविंग, आप यहाँ सीधा आके इसे भी देख सकते हैं। इसमें आपको ₹40,000 की लिमिट दी जाएगी और स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ सेविंग अकाउंट के बारे में दिया गया है, जिनमें दोस्तों आपका सेविंग अकाउंट दो ही है, एक प्राइम सेविंग अकाउंट और एक प्रेडिकेट सेविंग अकाउंट। आप इस सेविंग अकाउंट में अपना खाता ओपन करवा सकते हैं। किस तरीके से दोस्तों आप सेविंग अकाउंट में खाता ओपन कराएंगे, इसके बाद आपके पास एजेंट के पास एजेंट के द्वारा फ़ोन आएगा, आप ये फ़ोन से बातचीत करेगा और आपको खाता खोल दिया जाएगा, आपको पूरी सेवा यहाँ से प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, आज की वीडियो हमने सीखा हम एक्सिस बैंक में कैसे खाता खुलवा सकते हैं मोबाइल से घर बैठे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब कंप्यूटर को मोबाइल इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी हिंदी बिल्कुल फिल्म देखने के लिए आप हमारे सक्सेस टेक को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन ऑल पे क्लिक कीजिएगा, इससे होगा इससे इतने भी यूजफुल एवं नॉलेजेबल वीडियो लेकर आता रहता हूँ, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। मैं जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।